वैसे भी सही है जल्दी पेपर निपटे बहुत हो गया पेपर पे ज्यादा लंबा भी नहीं अच्छा लगता फिर वो मजा सीपीयू वगैरह ये वाली चीज तो यहाँ से हो जाएगी है ना तो ये यहाँ से पढ़ लेना कोई भी चीज का डाउट होगा तो उसको देख लेंगे वैसे तो इसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सब बच्चों वाली चीजें हमारे लिए तो ये चीजें कुछ नहीं है ना तो इस पर डिस्कशन करना है बेकार बट देखो क्वेश्चन सीबीएसई अगर बनाएगी ना हर यूनिट में से क्वेश्चन इक्वल देती है और सीबीएसई पेपर बना रही है तो मतलब सब चीजों में से इक्वल चीज जाएंगी तो मतलब इनपुट डिवाइस मतलब हर चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी है तो यहाँ पे जो दे रखा है ये हमारे लिए बिल्कुल बेसिक है क्योंकि इलेवंथ क्लास के बच्चों के लिए है पहली बार वो कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उनके लिए बेसिक चीजें थी तो ये यह यहां से हो जाएगा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इसके क्वेश्चन हो गए जैसे सीबीएसई ने ही बनाया था जो दस नंबर के क्वेश्चन थे ना जो एनवीएस में आए थे तो वो दस क्वेश्चन आप देख सकते हो बिल्कुल थे, उनमें मतलब कुछ था नहीं है ना तो ऐसी इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला सेकंड चैप्टर हो जाएगा थर्ड चैप्टर में जो है डिजिटल वाला पूरा काम है तो यहाँ पे लॉज और ये सब तो ये ये सब चीजें आएंगी तो इंपॉर्टेंट है और ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है जब डीटी प्लस बी के लिए चीजें करी करिए तो ये यहां से हो जाएगा ठीक इसके बाद आपके पास क्या है मतलब तो ये डिजिटल वाला मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें आप अटके होंगे है ना सिंपली गेट्स है और मिनिमाइजेशन है मिनिमाइजेशन अगर आप लॉस के थ्रू नहीं भी कर पाते तो एक बार अपना वो भी रिवाइज कर लेना क्या बोलते हैं के मैप और के मैप से आप मिनिमाइज करके आंसर निकाल सकते हैं तो मेन मुद्दा क्या है मिनिमाइजेशन के लिए आ सकता है लॉ का नाम आ सकता है और गेट्स हो सकता है वो काम आप वहां से कर लेंगे और डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन उससे जरूर आएगा किससे कन्वर्जन से मतलब डेसिमल को ऑक्टल ऑक्टल को इसमें ठीक उसके बाद नंबर सिस्टम वाला तो वो पूरी एक यूनिट दे रखी है नंबर सिस्टम हमें सारा हमने कर रखा है उसमें ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना हमने सारे ऑपरेशन लगभग इसके कर रखे हैं ठीक है और इसमें तो ऑपरेशन के अलावा और कोई चीज दे नहीं रखी तो ये काम भी यहाँ से हो जाएगा ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग वाला फिफ्थ चैप्टर मतलब जो इन्होंने पीडीएफ बना के दे रखी है मतलब है इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें फिफ्थ यूनिट में असल में इलेवंथ क्लास में फिफ्थ यूनिट आईपी वगैरह में जो होती है ना उसके अंदर क्या रहता है एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन लर्निंग क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है और आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और uh, बस ये चीज है ठीक है तो ये वाली चीजें हैं तो इसने क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा एक दे रखा है ग्रिड कंप्यूटिंग भी है तो क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग का डिफरेंस और चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूंगा यूपीपीएससी के टाइम पे बनी थी वो चीजें तो मैं आपको सेंड कर दूंगा वहाँ से और अच्छे से वो चीज़ हो जाएगी ठीक इसको अलग सेपरेट में डिस्कस कर लेंगे पहले मतलब मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ये शुरू ये वाला पार्ट छोड़ के ना पहले पाइथन कवर कर लेते हैं पूरा पाइथन का मतलब इलेवेंथ कंप्लीट देखो इलेवंथ क्लास में भी पाइथन दे रखी है और भीवेंथ क्लास में भी पाइथन दे रखी है क्लास में बेसिक पाइथन पूरी खत्म है फिर ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ पांडास पे है और एक तरीके से सीएसवी पे है और उस उसपे है क्या बोलते हैं मतलब मेट प्लॉट लिप वाला जिसमें हम ग्राफ चार्ट वे चीजें बनाते हैं ठीक है थीके? दोनों में एसक्यूएल है ठीक है दोनों में कंप्यूटर नेटवर्क है

कि मतलब पाइथन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इजी टू यूज क्या है इंटरप्रटेड का मतलब क्या है मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म तो ये सारी चीजें आएंगी मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा और एक शॉर्ट में रिकॉर्डिंग बना के भी तो आप वहां से से आराम ये चीज समझ सकते हैं ठीक अभी मतलब लैपटॉप इसके थ्रू करने वाली चीज कर लेते हैं मतलब पाइथन में ऑपरेटर्स एंड ऑल ठीक आज और कल सुबह okay. वाले में इलेवंथ क्लास का पूरा पाइथन का पोर्शन अपन कवर कर लेंगे ठीक और उसके बाद पाइथन okay. का हम पांडाज वाला कर लेंगे कल शाम मतलब दो एक दिन में वो निपट जाना चाहिए तो ये पूरा निपट गया मतलब पाइथन हो गया और फिर हम

पीडीएफ जिसमें वो लिखा हुआ है सब वो मतलब मैं आपको बेसिकली जस्ट बता रहा हूँ कि अगले अच्छा, दो तीन दिन में हम थीके, क्या थीके, करेंगे थीके। क्योंकि 12th में हम वो पूरा करेंगे वो तो मैं आपको ना जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जैसे अब हमने मान लो मैंने आपको ग्रुप भाई और ये सारी कमांड समझा दी उसके बाद जस्ट करना क्या है उसके बाद मैं आपको पूरा पूरा ना उसका लेके मतलब जैसे हमने उसका जो क्वेश्चन बैंक सभी है वो तो उसके सारे क्वेश्चन मान लो स्ट्रिंग वाले कर लिए एक हमें बच्चों को कराने के लिए तो स्ट्रिंग वाले अलग कराने पड़ते हैं क्वेरी वाले अलग कराने पड़ते हैं बट हम तो क्वेरी भी बना सकते हैं और वो भी कर सकते हैं दोनों काम सेपरेटली मत, मतलब साथ साथ पूरे का पूरा एसक्यूएल निपटा देंगे एक बार पूरे का पूरा पांडास के क्वेश्चन खत्म कर देंगे ठीक है इलेवंथ क्लास के लिए कोई क्वेश्चन बैंक बनता नहीं है इसलिए उसके क्वेश्चन जैसे मैंने उस दिन ऑपरेटर में आपको डिफरेंट तरीके की चीजें बनाई थी ये आ सकता है ये आ सकता है ऐसा आ सकता है तो जो पाइथन के सारे बेसिक ऑपरेशन है ना वो सारे इलेवंथ में

ठीक है एक दो क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है ले? या या तो वाला फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ ऑफ या एडवांटेज के हिसाब से ओके अब यहां पे आपको चैप्टर नंबर एट ये वाला चैप्टर मतलब जो पीडीएफ भेजूंगा वो वाली चीज देखनी है मतलब क्या है इसके अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर पाएंगे ओके तो मतलब जो पाइथन में हम लिखेंगे कैपिटल ए टू साइड स्मॉल ए टू साइड जीरो टू नाइन इससे तो हम क्या बनाते हैं वो आइडेंटिफायर्स के लिए यूज होंगे ये चीजें स्पेशल सिंबल्स ये सारे सिंबल्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं व्हाइट स्पेसेस रहेंगे इनसे कोई क्वेश्चन बनने का मतलब नहीं होता ठीक है यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा टोकन ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो टोकन मैंने आपको सी या सी प्लस प्लस में भी मैं आपको बता रहा था टोकन क्या होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन बोलते हैं ना भाई जैसे मैंने लिखा सी टू ए प्लस बी इसमें सी ए और बी क्या है तीनों वेरिएबल्स हैं प्लस और इक्वल टू क्या ऑपरेटर है? है मगर ये सारी चीजें क्या है कीवर्ड ही है ना अब देखो की वर्ड क्या है? उसके अंदर क्या क्या आ गया आप देखो नाम जो रखे थे C A B में आइडेंटिफायर्स तीनों नेम क्या है टोकन है और ऑपरेटर्स भी यानी इक्वल टू और ये भी क्या है टोकन है समझ में आई बात जी। अब जैसे मान लो मैं लिखू एक्वल्स टू और फिर मैंने मतलब कॉलन में मैं उसके अंदर लिख रहा हूं क्या मान लो कोई नेम लिख दिया मैंने राजू तो वो चीज में अब स्पेशल सिंबल्स भी तो आ गया ना वहां पे हाँ स्पेशल सिंबल नेम और डॉट वगैरह कुछ भी लगा रहा हूँ तो वो सारी चीज भी किसमें आ रही है तो यानी पंचुएटर्स भी आ सकते हैं लिटरल भी हो सकता है आइडेंटिफायर भी हो सकते हैं है, और कीवर्ड भी हो सकते हैं अब की वर्डर लिटरल किसी भी एक सिंगल चीज अभी लिटरल में बताऊंगा लिटरल जैसे हम लिटरल क्या होता है जैसे एक वस्तु टेन लिखा आपने तो टेन भी काउंट होगा ना तो टेन क्या है लिटरल है कैसा लिटरल है एक इंटीजर लिटरल है क्लियर हुआ अब जैसे टेन पॉइंट टू फाइव लिख देता तो ये कैसा लिटरल है फ्लोट लिटरल है अब मान लो मैं इसमें ऑक्टल भी ले सकता हूँ हेक्सा भी ले सकता हूँ तो वो चीज अभी लिटरल पढ़ेंगे लिटरल के टाइप तो सारे लिटरल के टाइप होंगे ठीक है तो पहली बात टोकन क्या होता है हर प्रोग्राम का जो हम लिख रहे हैं ना उसकी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन बोलते हैं ठीक है ये बात समझ में आ गई तो इसमें अब कीवर्ड सबसे पहली चीज कीवर्ड तो कीवर्ड क्या होता है जो रिजर्व वर्ड होता है ठीक है और रिजर्व वर्ड यहाँ ऑरेंज से में बन जाएंगे अभी जैसे एंड और नॉट ये सारी चीजें जो होते हैं रिजर्व वर्ड है इसने देखो पार्शियल लिस्ट ऑफ की वर्ड दिए मतलब की वर्ड बहुत सारे क्लियर हुई बात बट अगर क्वेश्चन वो कीवर्ड पे देगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा वो क्वेश्चन जनरली कहां पे आएगा जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल वैलिड आइडेंटिफायर नेम तो मान लो वहां पे कोई भी नेम देगा वहां पे एंड दे दे तो आपको ध्यान रखना है एंड क्या है एक ऑपरेटर है तो एंड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ऑपरेटर है ना बेसिकली ऑपरेटर है वो और एक रिजर्व की वर्ड है वाइल है वाइल क्या है की वर्ड है जिसे हम लूप के लिए यूज करते हैं बट यहाँ पे डब्लू कैपिटल हो जाए तो ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं बच्चों कैसे हैं सारे स्मॉल में तीन चार स्पेशल है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा नीचे मतलब जो बन सकते हैं ऐसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन जो बन सकते हैं जैसे नन है None, उसका नहीं करेगा साथ के साथ फिलहाल थ्योरी वाली चीज इससे दिखाता रहता हूं आइडेंटिफायर्स का कोई रूल कोई सिंगल रूल अलग नहीं है सारे रूल सीसी प्लस प्लस वाले हैं ठीक है मतलब लेटर ऑफ डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए इसका अंडर स्कोर होना चाहिए है ना और अल्फाबेट हाँ पहली डिजिट नहीं हो सकती कीवर्ड नहीं हो सकता वो सारी चीजें स्पेसेस अलाउड नहीं है तो देखो इसने वैलिड वाले आइडेंटिफायर बता दिए और इनवैलिड बता दिए तो नीचे वाले इनवैलिड क्यों है? जैसे ग्रेड पे में क्या आ गया हाइफ़न आ गया वो अलाउड नहीं है ठीक है जी। पहली डिजिट दूसरा वाला इसलिए इनवैलिड है वन टू आ गया शुरू में तीसरे वाले में डॉलर आ रहा है चौथा वाला इफ है तो इफ रिजर्व वर्ड है रोल नंबर में डॉट लगा रखा है और दूसरे वाले स्पेस दे रखा है मेरे ख्याल से क्लियर है बातें नीताश्री क्लियर है नताश्री चलो अभी लिटरल क्या है लिटरल क्या होता है हमारे में डेटा आइटम्स हैं जो फिक्स्ड वैल्यू होती है जैसे अभी मैंने बताया ना एक्स बराबर टेन लिख दिया तो टेन तो अभी फिक्स हो गया ना उसका टेन को तो टेन ही लिखा जाएगा ना तो वो चीज वो फिक्स वैल्यू हो गई तो स्ट्रिंग लिटरल होते हैं न्यूमेरिक लिटरल होते हैं बुलियन लिटरल होते हैं स्पेशल लिटरल नन है अब देखो नन में एन कैसा है कैपिटल है तो ये भी कैसा है रिजर्व वर्ड है ठीक है और एक नन के अलावा हमारे पास एक और भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं नन के अलावा एक ट्रू फॉल्स वाले दोनों तो वेरिएबल तो है वैल्यू को कहेंगे, उस को कहेंगे ना जैसे तो फिर तो टेन तो हो गया हाँ टेन है अब आपको स्मॉल में दिखने लगा होगा यार दोबारा है हाँ जी अच्छा, अच्छा। सर दिख रहा था पता नहीं कहां से भाग क्या है चलो सही है तो अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल में आप कुछ भी दे रहे हैं ये सारी चीज क्या है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा स्ट्रिंग में मल्टी लाइन स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग क्या होती है वो आपसे मुझे थोड़ा शेयर करनी है फिलहाल देखो जो आप वैल्यू दे रहे हो ना अंदर आकांक्षा वो है तुम्हारी लिटरल जी ठीक है जैसे वो स्ट्रिंग की वैल्यू हो सकती है वो न्यूमेरिक हो सकती है मतलब न्यूमेरिक में भी कई तरीके की हो गई कॉम्प्लेक्स हो सकती है डिजिट हो सकती है फ्लोट हो सकती है वो सारी चीजें ठीक है अब देखिए यहां पे इसने जैसे दे रखा है इन पायथन बहुत सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल करेक्टर सिंगल कोर्ट्स में लिखो एक ही, तो ही होगा इनसे है ना तो इसका कहने का मतलब है तुम डबल में स्ट्रिंग को लिखो या सिंगल कोर्ट्स में स्ट्रिंग लिखो एक ही बात है क्लियर हुई बात मगर इसमें एरर कब आएगी मान लो आप डबल कोर्ट से स्टार्ट कर रहे हो सिंगल से एंड कर रहे हो तो एरर आएगी क्लियर है गौरव जी डबल yes, से स्टार्ट कर हो सिंगल से मैं भी आपको एरर दिखाऊंगा कौन कौन सी कैसे कैसे आ सकती है स्ट्रिंग लिटरल फिलहाल समझ में आगे होंगे स्ट्रिंग लिटरल का मतलब क्या है, है ना अब एक चीज होती yes, है लिटरल कौन से जिनकी फिक्स वैल्यू चल रही है एस्केप सीक्वेंस आपको पता है तो ये सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं कौन से बैक स्लैश अब आपको बैक स्लैश किसके अंदर लगाना है मान लो उसके अंदर प्रिंट करना है मान लो तुम्हें स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश चाहिए तो डबल बार लगाना पड़ेगा वो लगाना क्यों पड़ता है क्योंकि अभी मल्टीलाइन स्ट्रिंग आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे क्यों जरूरत है सिंगल चाहिए आपको अब आकांक्षा सिंगल कोट से स्टार्ट करा है अगर राहुल्स में ऊपर लगानी थी सिंगल कोट तो वो क्या दे देगा वो तो स्ट्रिंग एंड मान लेगा वहां पे और उसके आगे कुछ भी लिख रहे हो तुम वह एर है समझ में ही बात तो अगर आप चाहते हैं वहां पे सिंगल कोट देना तो आपको बैक स्लैश करके यूज करना पड़ेगा

होता है अब पाइथन में स्ट्रिंग टाइप दो? जो ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे चीज का ध्यान देना दो तरीके से स्ट्रिंग आप डिफाइन कर सकते हो सी में ये वाला फीचर नहीं है सी में एक ही वाला फीचर होता है है ना आपके पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो सकती है इसमें जैसे इन्होंने लिखा नेम इक्वल्स टू केवी और एंटर प्रेस कर दिया तो ये करते ही एरर आ जाएगी क्योंकि बंद भी तो होना था ना स्ट्रिंग समझ में आई कि नहीं जी तो यहाँ पे आप इसको बंद नहीं कर रहे इसलिए आपकी एरर आ रही है बट कहीं आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग देने की जरूरत अगर पड़ती है तो दो तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे सकते हैं ठीक है वो दो तरीके क्या है मैं आपको एक बार इसकी शेयरिंग करता हूं बंद तीन बार वो कोट। तीन बार कोट्स भी है इसमें थोड़ा सा एक वो है बस वो दिखाना है मुझे बट थ्री टाइम सिंगल कोड तो हम पाइथन में कमेंट के लिए भी यूज करते हैं बट वो wo... अभी करेंगे उन सब तो यहाँ पे मान मान लो लो आपके पास मान लो, मैंने यहां पे लिखा आपका क्या सपोज एक ऐसे मैं करके मैंने राज लिया एंटर मारूंगा मा तो एरर दे रहा है क्या कि टर्मिनेट नहीं किया ठीक है सज मारिय बात अब आप यहाँ पे राज लिख के अगर कोट लगा देते और आप यहां पे क्या करते ए को प्रिंट करते तो राज आ जाता ठीक ठीक है 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 ये बात क्लियर हो रही है? जी है? अब अगर मैं यहां पे आपको ऐसा देना चाहता हूं क्या दिया मैंने ए इक्वल्स टू अब देखो मैंने क्या दिया राज और बंद किया सिंगल से तो भी एरर आ गई क्योंकि वो टर्मिनेटेड नहीं मान रहा ठीक है अब ए इक्वल्स टू अगर आपको लिखना था राज मदर है ना अब आपने यहाँ पे बंद किया अगर आप ए प्रिंट कर रहे हो प्रिंट हो गया ना क्योंकि आपने डबल कोड से स्टार्ट किया था आप बीच में सिंगल यूज कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही लेकिन इसी काम को अगर आप क्या करते सिंगल से कर लेते तो आपके पास एरर आ जाती मतलब जहां पे अगर आप सिंगल कोट लगा रहे थे तो वो तो आपको दिख रहा होगा स्ट्रिंग कहां पे एंड मान रहा है वो यहां पे ये एंड मान ली उसने दिख रहा कांशा सिर्फ ये हिस्सा ग्रीन है बाकी हिस्सा ग्रीन नहीं आप इसे करके एंटर मारेंगे सिंटेक्स एरर आ जाएगी तो या तो डबल सिंगल लेना तो डबल कोट से स्टार्ट कर लो वरना आप इसको काम को करने के लिए आप क्या कर सकते थे अगर आपको ऐसे ही रखना था तो आप एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते थे यानी बैक स्लैश लगा के ठीक अब आप करेंगे अब आप ए प्रिंट करेंगे तो राज आ जाएगा मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी बात नीताश्री क्लियर है बात ठीक स्ट्रिंग में ये तो कहानी हो गई ये अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब अगर मैं a इक्वल्स टू मान लो मैंने लिखा राज और मैं एंटर मार देता हूं तो एरर मिल रही है मुझे मैं लिख ही नहीं पाया अब a इक्वल्स टू मान लो मुझे देना था राज कुमार और सिंह ओ सॉरी मैंने लिखा a इक्वल्स टू यहां पे लिखा राज और यहां पे फॉरवर्ड स्लैश

<laughs> नहीं इसे बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड इंटरेक्टिव क्यों है ये भाई आप लिख रहे हैं साथ के साथ आपको आउटपुट है तो स्क्रिप्ट है, है।, है अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करूं और यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखूं उसको सेव करूं तब अब देखो यहाँ पे मैं मान लो लिख रहा हूं ए इक्वल्स टू टेन है ना बी इक्वल्स टू मान लो लिखा मैंने ट्वेंटी और सी इक्वल्स टू लिखा ए प्लस बी फिर मैंने लिख दिया मान लो प्रिंट सी प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मुझे आउटपुट दिख रही है मगर मान लो मैंने इसको सेव किया सेव एस और मैं सेव करते हुए ध्यान रखना है, देखो ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया पायथन का प्रोग्राम किस मोड में रन होता है दो तरीके से या तो आप कैसे रन कर सकते हो इंटरेक्टिव मोड में या आप किस मोड में रन कर सकते हो

इंटरेक्टिव मोड में और अगर हम स्क्रिप्ट मोड में करना है तो फाइल में जाके ओपन करके अपना पूरा प्रोग्राम लिखिए और फिर उसके बाद आप रन कर सकते हैं F5 से उससे पहले आपको सेव करना पड़ेगा एक्सटेंशन गौरव क्लियर है ये बात यस सर ठीक अब मान लो यहाँ पे मैंने लिखा और ये कौन सी थी तुम्हारी मल्टीलाइन स्ट्रिंग थी मैंने एंटर मार दिया ए प्रेस कर रहा हूं तो आपको दिखा आपको आउटपुट क्या दिख रही है आकांक्षा राजकुमार सिंह क्या आपको कहीं पे भी बैक स्लेशन दिख रहा है नहीं नहीं दिख रहा ना प्रिंट ए करोगे तब भी क्या आ रहा है राजकुमार सिंह बात समझ में आ रही है कि नहीं।, नहीं लेकिन अगर इस काम को आप कर रहे होते दो दो तरीके से मल्टीलाइन स्ट्रिंग दे सकते हैं डबल कोट्स के भी कर सकते हैं फिर आपको स्पेस देने की वो जो बैक स्लैश दे रहे थे उसकी जरूरत नहीं है मैंने राजकुमार सिंह दिया और तीन उससे खत्म कर दिया अब आप यहां पे ए प्रिंट करके देखो अंतर नजर आ रहा है आकांक्षा क्या प्रिंट हो रहा है राज के बाद दिख रहा है जो बैक स्लैश एन है ना वो सेव हो रहा है क्लियर हो रही है बात ये इन दोनों स्ट्रिंग में अंतर है अब अगर इसको आप प्रिंट में करते हैं ना प्रिंट में ए करा तो प्रिंट भी अलग अलग लाइन में होगा क्योंकि उसके अंदर बैक स्लैश एन स्टोर हुआ है तो डबल ट्रिपल कोट्स से देने में या फॉरवर्ड स्लैश में देने में अंतर क्या है जब आप सिंगल कोट मतलब अगर आप फॉरवर्ड स्लैश करके एंटर कर रहे हैं तो उस एंटर को वो कंसिडर नहीं कर रहा है एज ए सिंबल ना ही फॉरवर्ड स्लैश को एज ए सिंबल कर रहा ये मैं आपको दिखा सकता हूं देखो लैन लिख के मैंने ए लिखा मैं क्या कर रहा हूं लेंथ लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग की निकाल सकते हैं ना कितनी आई आकांक्षा पता है क्यों आई है राज की कितनी हो गई तीन उसके बाद बैक स्लेशन की चार पाँच। चार और पांच नौ फिर बैक, वो मतलब सॉरी बैक स्लेशन कह रहा हूं एंटर राज के बाद एंटर तो यानी चार हो गए कुमार के बाद एंटर तो छह दस हो गए और पांच पंद्रह बात समझ में आ रही है कि नहीं इसके लिए आप ये वाला काउंट करके देखो तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर हुआ था राज फिर उसके बाद बैक फिर कुमार फिर बैक फिर सिंह इसी वजह से इसकी लेंथ कितनी दिखा रहा है ये पंद्रह और अगर आप यही काम इसमें करते ना अगर मैं ऐसे करता राजकुमार सिंह अब आपको यहां पे दिख रहा है कितनी लेंथ आनी चाहिए इसकी तेरह ठीक है चाहे आप यहां पे इसको करो एंटर कर दिया मैं लेंथ ऑफ ए को प्रिंट कर रहा हूं लेंथ कितनी आई है तेहरा समझ में आ गया अंतर क्या है क्योंकि जब आप सिंगल मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश स्लैश तो तो ना तो इस को वो कंसिडर करता ना ही इसके बाद जो मैंने एंटर दबाया था वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर क्या है? स्टोर हुआ सिर्फ राजकुमार सिंह लेकिन जब आप ट्रिपल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो जो आप एंटर दे रहे हो ना वो काउंट किस में हो रहा है

ये यहाँ पे चीज बन सकती है मल्टीलाइन स्ट्रिंग के अंदर और दूसरी चीज क्या बन सकती है मैंने आपको बताया ए इक्वल टू अगर आप कैसे दे रहे हैं राज और सिंगल कोट कर रहे हैं एरर है मतलब दोनों साइड कोट सेम होने चाहिए ठीक है और डबल वाले के अंदर सिंगल को यूज करेंगे कोई एरर नहीं आएगी जैसे कि अगर मैं ये लिख लू ना एक्वल्स टू राज और फिर मैंने लिखा कुमार और फिर मैंने लिखा सिंह ठीक है अब मैंने को प्रिंट किया आपको दिख रहा है राजकुमार सिंह ऐसा लिखा आ गया तो जी। डबल के अंदर ठीक no no है, है अब एक चीज ये है आप इसे टाइप भी चेक कर सकते हैं आपके पास टाइप एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ एक तो कैसी टाइप है इसका एक किस इस तरीके का वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का ठीक है

तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है ना ए की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो उसकी क्या है? है। और ए के ऊपर नहीं परफॉर्म होता मल्टीप्लाई का स्ट्रिंग में आपको पता है मल्टीप्लाई ऑपरेशन करते हो तो वो क्या कर देता है स्ट्रिंग को रिपीट कर उतने देता है हाँ। ना तो ऐसे ही मतलब हर ऑपरेटर हर किसी क्लास के लिए अलग डेफिनेशन उसकी दे रखी है जैसे वहां पे कि अब प्लस करते हो तो कैनकेटिनेट कर देता है माइनस उसके ऊपर डिफाइन नहीं है डिवाइड उसके ऊपर डिफाइन नहीं है मल्टीप्लाई और प्लस डिफाइन है किस क्लास में स्ट्रिंग क्लास के अंदर इंटीजर क्लास में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब डिफाइंड है बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं बोलो यस सर ठीक है अब वापस आते हैं उसी कहानी पे मेरे ख्याल से स्ट्रिंग की कहानी समझ में आ गई होगी हाँ जी सर ठीक अब वापस आते हैं इस चीज पे यहाँ पे बैक्सलेशन वाली बातें हो गई स्ट्रिंग के टाइप तो ये वाली सारी चीज आप पढ़ लो मल्टीलाइन स्ट्रिंग और इसमें क्या है और ये डिफरेंस मैंने आपको इसके अंदर भी बता दिया यहाँ पे लाइन वाली चीज का डिफरेंस रह जाएगा देखो इसने प्रिंट फंक्शन के साथ इसको यूज किया है लेकिन ऊपर वाले को प्रिंट फंक्शन के साथ नहीं बताया मल्टीलाइन स्ट्रिंग वाले को ठीक है तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को आप दोनों में से किसी से भी यूज कर लो ऐसा ही लिखा आएगा जैसा अब लिखा रहा है ना नेम वन बाई सिक्स माल रोड कानपुर आप प्रिंट नेम लिखते तब भी आता लेकिन नीचे वाले में अब देखो इसने प्रिंट फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो अलग अलग दिखेगा और सिंपल करेंगे तो बैक स्लैश एन के साथ दिखेगा रीजन आपको ध्यान रखने के लिए भाई इसके अंदर बैक स्लैश एन है तभी तो क्या दिखाता है तभी तो एक काउंट कर रहा है ना उसकी लेंथ भी तो एक बढ़ा दे रहा है क्लियर होगी बात की नहीं हेलो yes, अब ये साइज ऑफ स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन देखो बढ़िया है ये साइज ऑफ स्ट्रिंग आपको समझ में आ रहा है पहले वाले का साइज ये एक क्यों दिखा रहा है क्योंकि ये पहला क्या है इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस है फॉरवर्ड स्लैश के लिए आप ये यूज करोगे वो सॉरी बैकवर्ड स्लैश के लिए ठीक है अरे क्लियर है दूसरे वाले की एबीसी की लेंथ है? तीन है अगले वाले की दो लेंथ क्यों है क्योंकि बैक स्लैश ए किसके लिए अलर्ट बीप के लिए होता है ठीक है तो बैक स्लैश ए एक एस्केप सीक्वेंस हो गया और बी तो कितनी कैरेक्टर की लेंथ हो गई टू और नीचे वाले में अपॉस काउंट होगी देखो मीरास टॉय में अपोस जो है वो बैक स्लैश वाली के साथ यूज हुआ है तो वहां पे वो क्या है एस्केप सीक्वेंस है तो वन काउंट होगा नीचे वाले में सिंपल दे रखा है तो वहां पे भी वन काउंट होगा समझ में आई बात कि नहीं हां जी सर तो, आकांक्षा क्लियर है बात जैसे मीरा टॉय में मीरा की हो गई पांच और फिर इसके बाद ये बैक स्लैश बैक स्लैश और अप, वो उसकी सिंगल कोट की इसकी एक ही काउंट होगा पांच और एक छह एस की हो गई सात स्पेस हो गया आठ और आठ और तीन ग्यारह लेकिन नीचे वाले में केवल सिंगल भी लगा दी सिंगल कोट वो भी काउंट हो रही है क्यों अब आपको दिख रहा है वैलिड है ना डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो उंगल सिंगल कोट भी अलाउड है अंदर लेंथ फंक्शन से आप इसकी काउंट करके देख सकते हैं तो वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी यहां पे देखो इसने मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर भी बता दिया है तो सिविल लाइन काउंट पर की आप काउंट कर रहे हो तो एक लेंथ बढ़ा दी क्योंकि बैक्सलैश एन को काउंट किया है वो किसमें है ट्रिपल में और नीचे वाली जो है सिंगल कोर्ट्स वाली वो काउंट नहीं होगी फॉरवर्ड स्लैश वाली जो लगा रखी है उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते ना भाई अगर मैंने राजा लिखा तो क्या वो वैल्यू चेंज होगी क्या राजा में कोई चेंज कर सकते हो क्या बोलो नहीं और यहां पे मैं आपको बताऊंगा म्यूटेबल इम्यूटेबल भी चीज होती है पायथन में यह खेल बहुत अलग है मतलब जैसे जो सी सी प्लस प्लस में ना यहाँ पे यही चीज़ एक अलग है तो वो भी हो गया ऑक्टल में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कोई भी चीज जीरो के बाद स्मॉल ओ से शुरू होती है तो वो ऑक्टल कंसिडर होती है ये बात समझ में आ रही है और इसके बाद अगर आप में कर रहे हैं फिर मैं इसको करके भी दिखाऊंगा एक सेकेंड देखो इसके बाद इसने हेक्सा में बताया जीरो एक्स एग्जाम्पल दिया नम अब जीरो यहां पे इसने ओ दो के से लिख दिया एक्स लिखना है ठीक है और बच्चों स्मॉल एफ या कैपिटल एफ का कोई फर्क नहीं होता आप कैसा भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें स्मॉल या कैपिटल में क्लियर हो रही है बात कभी स्मॉल एफ लिखे तो आप सोचो एरर है नहीं है स्मॉल कैपिटल दोनों चलेंगे ये बात समझ में आ गई जी ठीक है तो यहाँ पे ये तुम्हारे न्यूमेरिक लिटरल्स में कौन से हो गया इंटीजर हो गया इंटीजर हो गया ऑक्टल हो गया हेक्सा हो गया फ्लोट टाइप लिटरल में क्या हो सकते हैं तो फ्लोट नंबर आपको पता है जैसे पंद्रह पॉइंट दो ये कैसा नंबर है एक है ओके okay? फिर आप इसको exponent की टर्म में भी लिख सकते हो जैसे मान लो ये टेन एक्सप्लेन कर रखे ना टेन पॉइंट फाइव को आप कैसे कर सकते हैं ऐसा भी तो लिख सकता हो नाइन पॉइंट वन जीरो कैसे भी लिख सकते हैं अब आकांक्षा इसमें जरूरी नहीं है जब आप ई e यूज कर रहे हो तो आपको दशमलव बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे रखना है दैट इज चॉइस आप इसको ऐसा भी कर सकते थे टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू की पावर फोर समझ आ रही है बात तो टेन रेज टू पावर फोर तो लिखा नहीं जाएगा कैसा लिखना पड़ेगा टेन पॉइंट फाइव ई और जीरो फाइव अगर वो जीरो फोर चाहिए तो जीरो फोर क्लियर हो गई बात ये चीज मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं फिर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी

डेसिमल में वैल्यू प्रिंट करेगा मतलब में वैल्यू मतलब ऑक्टल यानी कि आएगी वैल्यू टेन हाँ टेन आ जाएगी ठीक है क्लियर हो गई बात जी और अगर आप इसको एक वर्स टू ये लिख देते इसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया और वन टू लिखता अभी क्या प्रिंट अभी मैंने ए लिख दिया अभी क्या प्रिंट होगा 18 आएगा। है एटीन एटीन आ जाएगा ठीक है तो आप यहां से ये काम कर सकते हैं अब ये तीनों ही किसका पार्ट है देखो हेक्सा हो गया तो ऐसा नहीं है हेक्सा बताएगा भाई है तो सब ये क्या इंटीजर का ही पार्ट यहां तक बात क्लियर है अब आप यहां पे ऐसा भी कर सकते थे एक्वल्स टू देखो मैंने क्या लिखा है जीरो एक्स और यहां पे मैंने लिखा ए और एफ एफ लिख दिया कैपिटल में एक चीज स्मॉल में लिख दी एंटर प्रेस किया ए किया क्या आना चाहिए बताना जरा एकदम एक सौ पिछहत्तर ठीक है ए का मतलब क्या है टेन और क्या 10. 10 क्या होगा 160 प्लस F 160 क्या जाएगा 175. तो दिमाग में एकदम जाना भी चाहिए मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी तो स्मॉल लिखो लिखो कैपिटल कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मैं ये चीज लिख रहा हूं एक स्पेशल कैरेक्टर होता है बच्चों नन वाला अभी इसमें कौन सा लिटरल पढ़ेंगे स्पेशल लिटरल होता है नन नन आपको पता ही है जहां पे हमें कोई वैल्यू नहीं देनी होती इन केस अगर मुझे क्योंकि पायथन में आप बहुत सारा काम आगे कर पाएंगे तो मान लो कहीं पे आपको नन डालना है इसमें आप टेबल बना सकते हैं टेबल की फॉर्म में क्योंकि पाइथन में आगे आप ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में जो होता है पांडास पढ़ेंगे पांडास के अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम होता है सीरीज वन डायमेंशनल होती है डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल होता है तो वो जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम वैल्यूज टेबल की फॉर्म में भी चाहे तो स्टोर करा सकते हैं बात समझ में आ रही है टू डायमेंशनल का मतलब कितने इंटर कितने की भी बन सकती है जैसे हम टेबल बनाते हैं डेटा में सेम काइंड ऑफ टेबल हम डेटा फ्रेम की मदद से क्रिएट कर सकते हैं और सारे ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं तो मेजर काम मेजर फंक्शन मेजर चीजें आपको ट्वेल्थ क्लास में बहुत सारी मिलेंगी क्योंकि वहां पे बहुत सारे फंक्शन है बहुत सारी चीजें भी हैं करने के लिए तो फिलहाल मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आप इसको टू डायमेंशनल या किसी चीज में क्रिएट करेंगे अब मान लो मुझे उसके अंदर वैल्यू डालनी है मान लो तो किसी के अंदर हो सकता है ना वो चीज अवेलेबल ना हो तो आप उसके अंदर क्या डालना चाह रहे हैं नन ब्लैंक तो छोड़ेंगे या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं नन तो नन भी एक स्पेशल की वर्ड पे होता है तो देखो अगर मैं नन लिख दिया ऐसे तो क्या आ गया अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा एरर आएगी क्योंकि नन कुछ नहीं होता ऐसे तो ए इक्वल्स टू अगर आप ऐसे लिखेंगे अब आपको दिख रहा है इसका कलर कैसा हो गया ऑरेंज जितने भी लागी 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 है है ना लाइक देखो इंट इंट ठीक या आपके पास वाइल है तो वाइल का आपको दिख रहा है रिजर्व वर्ड है तो क्या आ गया कैसा कलर आ रहा है ऑरेंज आ रहा है तो ऐसे ही एन ओ एन ई अब आपने एंटर किया अगर आप टाइप ऑफ ए अब चेक कर रहे हैं तब आपको क्या दिख जाएगा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है नन टाइप तो अगर आपको नन देना है तो आप कैसे वैल्यू देंगे ऐसा भी दे सकते हैं कैसे अगर मैं अब लिखू इसको तो क्या ये नन टाइप वैल्यू बनेगी नहीं ये तो स्ट्रिंग हो गई ना हाँ तो अगर आप यहाँ पे इसका टाइप करके चेक करेंगे तो ये अब नन वो वाली नन नहीं है अभी एज ए स्ट्रिंग हो गया कलर भी अलग हो गया लेकिन पेपर में अगर ये वहां पे आएगा तो शायद कंफ्यूजन हो सकती है तो यहाँ पे ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है

Okay. हाँ, हाँ, हा। कोई आपको वैल्यू नहीं देनी है तो नन भी एक वैल्यू है, जिसको आप दे सकते हैं। ठीक है? तो एम टी तो के लिए नन समझ लो तो मतलब यहाँ पे इन्होंने फीचर आपको प्रोवाइड किया कि आप वैल्यू नन भी दे सकते हैं ठीक है ओके okay. ये चीज हो गई और इसके बाद बुलियन टाइप के लिटरल हो गए ओके okay. अब एक चीज होती है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आकांक्षा हम कैसे देंगे कल भी अगर आप या तो टेन प्लस टू जे लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा जे लिखना पड़ेगा ठीक है आई लिख के देख लो आई लिखते ही क्या आ रही है एरर आ रही है तो आ, आई नहीं चलेगा ए इक्वल्स टू क्या चलेगा मान लो टेन प्लस टू जे हमने लिखा अब जे जब हम लिख रहे हैं क्रिएट हो गया अगर आप यहाँ पे टाइप इसका चेक करेंगे ना ए का तो ये आपको क्या दिखा देगा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स क्लास है हुँ, और हुँ, देखो है। इसका रियल पार्ट अलग होता है ए डॉट रियल अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा टेन पॉइंट जीरो और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो है वो पता है क्या होती है अगर आप ये क्लास बनाई आपने आकांक्षा वैल्यू दी तो टेन और टू अभी मैंने कैसी वैल्यू दी है यहाँ पे इंटीजर मतलब अच्छा मतलब इंटीजर तो

ये बात समझ में आ गई जी यस yes, सर अब देखो अगर आपने रियल में आर कैपिटल कर दिया तो एट्रीब्यूट कॉम्प्लेक्स देखो क्या बना होगा कॉन्सेप्ट बेसिकली हुआ क्या होगा जिसने भी ये कॉम्प्लेक्स क्लास क्रिएट की होगी उसने क्लास के अंदर फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल बनाए होंगे एक का नाम रखा होगा स्मॉल में रियल एक का नाम रखा होगा स्मॉल में इमेजनरी तो भाई हम डॉट से उन्हीं नाम को तो एक्सेस कर सकते हैं ना समझे आप बात हमने सी प्लस प्लस पट रखी आपने क्लास बनाई क्लास कॉम्प्लेक्स उसके अंदर दो वेरिएबल रखे फ्लोट एक्स फ्लोट मतलब फ्लोट रियल फ्लोट इमेजनरी तो क्या आप मैं अब आर कैपिटल लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता इसलिए ये इमेजनरी और रियल दोनों क्या लिखने पड़ेंगे स्मॉल लिखने पड़ेंगे मेरे ख्याल से क्लियर होगी जी ठीक है अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर दू x इक्वल्स टू ए डॉट रियल प्लस फाइव ठीक है ओके अब मैं x को प्रिंट कर रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा x Really, हाँ, तो मतलब बतानी है मुझे टाइप कास्टिंग, देखो, दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है एक तो उस दिन मैंने तुम्हें बताई थी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली मतलब दो तरीके की टाइप कास्ट होती है हो आप नहीं है। आ है समझ में ठीक हाँ। है

17.2 को अब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स का भी बताया था उस दिन कि कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे कॉम्प्लेक्स मैंने 17 लिख दिया ठीक है अब अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो 17 प्लस जीरो जे आएगा, क्योंकि इसने 17 को किस में कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया ये सारी टाइप कास्टिंग क्या है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है ठीक है ये बात समझ में आ रही है जी ओके okay, अब मैं एक चीज आपको ये करके दिखाता हूं मान लो आकांक्षा ए बराबर मैंने लिखा वन ठीक है बी इक्ल्स टू सपोज मैंने लिखा वन पॉइंट टू ओके अब अगर मैं ए का टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा टाइप ऑफ ए क्या बताएगा क्लास क्या फ्लोट आएगी, आएगी? अब अच्छा एक दो। बात बताइए मुझे अगर मैं ऐसा कर दू एक्वल्स टू बी सी में क्या होता था अगर आप एक्वल्स टू बी सी मान के चलिए ए इक्वल्स टू बी लिख दू मैं तो क्या होगा और अगर मैं ए को प्रिंट करू तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी बताओ सी में मतलब सी में की पाइथन में सी में सी में सी में अगर आप पूछो हम नॉन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं ना तो सी में हमें पता है अगर मान मैं लो मैंने ए बराबर लिखा, B equals to 1 लिखा बी इक्वल्स टू 1.2 और ए इक्वल्स टू बी लिख दूं उसके बाद प्रिंट ए लिखूं क्या प्रिंट होगा बी की वैल्यू है <laughs> one, one. One? आप एक सेकंड वन होगा सी में वेरी गुड वन होगा अब मुझे एक सेकंड वो निकालना दीजिए पैन गोल्ड

ठीक है मैं जरा आपको एक सेकंड बस यहां पे मुझे म्यूटेबल इम्यूटेबल की आपको चीजें बतानी है तो एक बार आप उसी से रिलेट करके कर पाएंगे तभी कहानी हो पाएगी विजिबल है ओके चलो हाँ देखो अगर मैं सी में ये काम करता हूं एक्वल्स टू मैंने फाइव लिखा ठीक मेन वेन ऊपर मान लो तो आपको पता है मेमोरी में किसी एक ब्लॉक में यहाँ कुछ बनेगा मान लो ये मेमोरी लोकेशन है 2000 तो यहां पे 5 आ गया तक कोई समस्या ऐसे नहीं, 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 नहीं। लिख दिया मान लो है ना और फ्लोर एक्स इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया सेवन पॉइंट टू ठीक है तो यहाँ पे कहीं मान लो एक्स बन जाएगा सपोज ये तीन हजार भी लोकेशन पे बन रहा है और इसके अंदर कितना आ गया सेवन पॉइंट टू आ गया ये बात क्लियर है ठीक है yes, अब अगर मैं ऐसा कर दू फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लीजिए मैंने X लिख दिया तो वहां पे भी ये कर कर देता है, कर देता है है अगर आप यहाँ yes, पे प्रिंट करेंगे इस टाइम पे मान लो मैंने परसेंट डी और परसेंट डी दोनों लगा के सॉरी परसेंट डी की जगह एक परसेंट एफ भी कर लेता हूं ठीक है और मैं ए कॉमा ए प्रिंट करूं तो आउटपुट क्या आएगी सेवन सेवन पॉइंट जीरो वेरी गुड इन सी चल रहे हैं हम या सी प्लस प्लस ठीक है तो देखो ए की वैल्यू पहली बार यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए में गई थी टाइप कास्ट हो जाएगा इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वैल्यूटो तो तो क्योंकि आप इंटीजर में प्रिंट करोगे में करोगे तो सेवन पॉइंट जीरो कहानी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आराम से है ना इसी चीज को वहां पर इम्प्लेसिड टाइप कास्टिंग बोलते हैं ना अच्छा आकांक्षा अब यहां पे पता है पाइथन में क्या अंतर है अगर मैं लिखता हूं मान लो हमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती मान लो मैंने लिख दिया ठीक है है क्लियर अब अगर मैं अगली पाइड़ी बार पाइड़ी। A equals to ten लिख दूं, मान लो ये ये कोई मेमोरी लोकेशन है जहां पे फाइव पड़ा है ठीक है यहां पे ये five पड़ा है इसको अब ये ए पॉइंट कर रहा है मान लो ये मेमोरी लोकेशन दो हजार है अगली बार मैंने ये लाइन लिखी है तो क्या होता है पाइथन में आप बताएंगे जेन ना 10 इसको असाइन करतेगा देखो सी में तो ऐसा होता है यहाँ पे पांच की जगह कितना आ जाएगा 10 स्कैन करते हैं है ना अब एक चीज है यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल ठीक है म्यूटेबल के अंदर इसके अंदर कौन-कौन से हैं और इम्यूटेबल के अंदर कौन-कौन से हैं इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं होते है. तो इंट ऑक्टल और ये हेक्सा ये तो इंट के ही पार्ट है ना बेसिकली या फ्लोट हो गया या तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया या तुम्हारा एक लिस्ट लिस्ट के बाद है है टपल टपल ठीक है? या स्ट्रिंग ये सब चीजें इम्यूटेबल इम्यूटेबल कहलाती हैं मतलब जो चीजें चेंज नहीं होती अब आप कहोगे सर ये क्या ड्रामा हो रहा है है ना म्यूटेबल के अंदर है यहाँ पे लिस्ट आता है डिक्शनरी तो आता दिक्षनरी। है ठीक हाँ है जी। और एक चीज होती है सेट जो हमारे सेट थ्योरी में सेट्स होता है ना वही सेट्स हैं यहाँ पे मतलब एक क्लास हमारी सेट टाइप की होती है इसके ऊपर सेट के सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो बेसिकली सेट आपके सिलेबस में कहीं पे है ना लिस्ट और डिक्शनरी हम पढ़ते हैं पढ़ लेंगे हम तीसरे को भी कोई चक्कर नहीं है पूरा हमें इसी पे काम करना है एक तरीके से इलेवंथ क्लास में ये सब खत्म हो जाएगा ट्वेल्थ क्लास में क्या आएगा हम पांडास पढ़ेंगे पांडास के अंदर बेसिकली हमें सीरीज और डेटा फ्रेम दो चीजें पढ़नी है सीरीज में भी हम इन सब चीजों का इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग सब चीजों लिस्ट डिक्शनरी का यूज करेंगे और डेटा फ्रेम में भी हम इन सबका यूज करेंगे तो पहले ये सब चीजें आनी चाहिए तब हम पांडास पढ़ पाएंगे ठीक है अब देखो बच्चों बच्चों के हिसाब से तो चीजें आती है छोटी लेकिन आपके हिसाब से तो चीजें घुमा के आएंगी एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनमें से पक्का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल या इम्यूटेबल तो वो तो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी बट इसका मीनिंग क्या है वो चीज आप समझ लीजिए में अगर आपने देखो अब ये चीज तो मतलब नामुमकिन तो ऐसे मान लो मेमरी में वन कहीं पे टू कहीं पे थ्री कहीं पे फोर कहीं पे फाइव ऐसे करके टू मान ले पता नहीं इनफाइनाइट तक पड़ी होंगी चीजें समझ में आ रही है बॉक्स ऑलरेडी बने बनाए मान ले इसमें पचास रखा है ऐसे ही चलते चलते मान लें यहां पे सत्तर लिखा है चलते चलते यहां पे कहीं डेढ़ सौ लिखा है ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने रखे हैं ओके अब जब तुमने लिखा ना एक्वल्स टू फाइव बात समझ में आ रही है तो उस टाइम पे इसको पॉइंट करने लग गया इस बॉक्स को अब मान ले मेमोरी लोकेशन दो हजार है ठीक है अब मान ले अगली लाइन में मैंने ए इक्वल टू पचास लिख दिया मान ले लोकेशन क्या है दो हजार सत्तर है फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा इसके अंदर पांच की जगह पचास आ गया ए के अंदर होगा क्या अब ए नहीं है अब ए ये है तो क्या अंदर की वैल्यू चेंज हुई क्या इंटीजर वैल्यू जो थी क्या वो चेंज हुई नहीं वेरिएबल शिफ्ट हो गया दूसरी जगह क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही जी इसलिए इनको क्या बोलते हैं ये सारी चीजें इम्यूटेबल कहलाएंगे मतलब इसके अंदर की चीजें चेंज नहीं होंगी फॉर एग्जाम्पल मान आकांक्षा मैंने लिखा एक्स इक्वल टू फाइव प्लस टू जे तो कैसा वेरियबल बन गया तूने x डॉट ये तीन वो चल रहा है x डॉट मान ले रियल प्रिंट करा एंटर मारेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा पांच अगर तुम ये प्रिंट कर, करने की कोशिश करोगे ना x डॉट रियल में क्या डाल दू दस तो ये करते ही एरर आ जाएगी क्यों ये इम्यूटेबल है चेंज नहीं कर सकते बात समझ में आई कि नहीं ओके। okay. है, नहीं। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी हमें अजीब सा खेल लगता है लेकिन इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं किसके थ्रू कर सकते हैं आईडी आपके पास होता है लिखोगे तो ये मेमोरी में किस लोकेशन पे आया है ना वो चीज प्रिंट हो जाएगी एक बार इसको करके देखते हैं देखो यहाँ पे हम आते हैं यार हमारी ये चीज तो रिल गई चलो इसे कहानी को बाद में देखेंगे कोई बात नहीं हमने ए इक्वल टू थर्टी लिख दिया ठीक है अब मैं आईडी ऑफ ए प्रिंट कर रहा हूं गौरव दिखी तुझे आईडी ऑफ ए कुछ मेमोरी लोकेशन से आई है है ना इस अब मान ए इक्वल्स टू बारह कर दिया ओके अब आईडी ऑफ ए किया मैंने ओके अब जैसे ही मैं एंटर इस प्रेस करूंगा आईडी उससे अलग है कि नहीं है देखिए यहां तक कहानी सेम चल रही थी लेकिन इसके की वो स्टोर है ना वो उठा के, अगर मैं मान लो एक्वल्स टू सत्रह करके देखता हूँ कि क्या वो नियर बाई दिखाएगा क्या बट बहुत डिफरेंस है इसमें बहुत अलग जगह पे क्रिएट हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका आईडी ऑफ ए दोबारा करके देखते हैं अगर हम तो दिख रहा है देखो ये चौरासी सोलह पे और ये कहां पे क्रिएटेड है पिछासी छिहत्तर पे मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी तो मैं क्या कर रहा हूं हर बार ए जो है ना वेरिएबल वो अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है अंदर का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा इसलिए ये वैल्यूज इंटीजर फ्लोट रियल सब चीज क्या कहलाती है इम्यूटेबल बात समझ में आई या नहीं आई बोलो okay. मान लो अगर मैं लिख लू x इक्वल्स टू सपोज मैंने लिख दिया फाइव प्लस टू जे ओके ये मैंने लिख दिया अब अगर आप x.real को प्रिंट कर रहे हैं तो आपको पता है वैल्यू 5.0 आ रही है है ना अब अगर मैं ऐसा कर दूं x.real में डालने की कोशिश कर दूं 3.2 एरर क्योंकि ये कैसा कंटेंट है सिर्फ रीड ओनली है तो आप जहां पर वो x अब क्रिएट हुआ देखो अगर गौरव मैं यहां पे क्या कर रहा होता देख मेरी बात सुनो यहां पे ये बात आपको थोड़ी कभी अजीब लग रही हो आकांक्षा मैंने क्या लिखा कहीं पे कहा गया मारकर मान लो मैंने गौरव लिखा एक्स इक्वल टू टू प्लस थ्री जे है ना मान लो ये ब्लॉक था इस पे टू प्लस थ्री जे पड़ा है, है पॉइंट कर रहा है कर रहा है कर अगर मैं अगली लाइन ये लिख ना एक्स बराबर फाइव प्लस थर्टीन जे तो मान लो कहीं और अगर यहां पे लिखा हुआ है फाइव प्लस थर्टीन जे

थ्री होता है कुछ पड़ा है अगर मैं ऐसा लिख दू ना तो अब, तो अब ये कॉम्प्लेक्स ना होके क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा तो रन टाइम पे आप बाइंडिंग चेंज कर सकते हो वेरिएबल को जैसे सी में तो डिफाइन है अगर एक बार मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया तो अब अगर मैं एक्स बराबर फ्लोट करूंगा भी वैल्यू तो ये क्या कर देगा चलो यहाँ तो टाइप कास्टिंग वर्क कर जाएगी है ना लेकिन x बराबर अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालने लग जाऊं तो क्या एक्सेप्ट कर लेगा सी में इन सी एरर आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं लेकिन पायथन में क्या है आप ये काम कर सकते हो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं मान मान लो लो में आपने क्या लिखा मान लो, मैंने क्या लिख दिया अब देख जैसे मान लो वहां पे था ना x इक्वल्स टू अगर मैं यहां पे लिख दू ट्री जे ये अलाउड है आप x को प्रिंट करके देख लो ट्वेल्व प्लस थ्री जे आ रहा है कि नहीं हेलो यस सर तो अलाउ क्या नहीं है अगर आपने एक्स क्रिएट किया अब आपको पता है ये वाला एक्स जिसे पॉइंट कर रहा है उसके अंदर बारह प्लस थ्री जे है एक्स रियल और एक्स में अंदर का हिस्सा आप चेंज नहीं कर सकता बात समझ में आई म्यूट इम्यूटेबल क्लियर हो रही है कि नहीं अभी मैं आगे भी आपको चीज दिखाऊंगा जैसे इम्यूटेबल का एक एग्जाम्पल लेके आपको चीज करके दिखाऊंगा ओके नीताश्री बात समझ में आ रही है देखो इसे रटोगे ऐसे ही तो कोई फायदा नहीं है एक बार चीज घुस गई ना दिमाग में फिर ये जाने वाली चीज नहीं बहुत हल्का खेल है हाँ, हम बेसिकली अंदर का चेंज चेंज कर सकते, हाँ, चेंज तो कर सकते सकते पर पूरी वैल्यू नहीं आप म्यूटेबल चीजें सारी अभी मैं देखो इम्यूटेबल वाले में करके भी दिखाऊंगा देखो ये सब इम्यूटेबल है जो म्यूटेबल है उसको करके दिखाऊंगा लिस्ट का आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा लिस्ट डिक्शनरी और सेट ये तीनों क्या होता है म्यूटेबल होता है तो करके दिखाऊंगा मैं कैसे उसको चेंज कर सकते हैं अब देख आकांक्षा आपने एक्स इक्वल्स टू राज लिख दिया हेलो एक्स इक्शन क्या लिख दिया मान लो राजू लिख दिया ठीक अब आपको बताया राजू क्या है स्ट्रिंग है अब मैंने आपको चीज बताई थी एक्स प्रिंट करोगे तो राजू आ, तो आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं और अगर एक्स डॉट यहाँ पे आर और कॉलन लगा के मान लो अगर मैं माइनस वन लिख देता हूं तो क्या आएगा बताओ बैकवर्ड इंडेक्सिंग यू आएगा पीछे से शुरू होती है ना अरे सॉरी एक्स लिखना था ना बच्चों आर नाम तो बनाया नहीं ना अभी यू आ गया कि नहीं आ गया बोलो ये तो काम सही है अब अगर मैं ऐसा करना चाहूँ ना राजा एक्स डॉट वन में मान लो मैं डालना चाह रहा हूँ कौन सा कैरेक्टर ये नहीं होगा है ना ये ये तो ये होते ही क्या दे देगा दे देगा क्योंकि स्ट्रिंग में असाइनमेंट अलाउ नहीं है ये कैसा टाइप है इम्यूटेबल है जबकि ऐसा नहीं है अगर मैं राजू की जगह अब राजा डाल दू यहां पे, ये ले लेगा मान लो राजा सिंह लिख दिया मैंने ले लिया एक्स को प्रिंट कर लो राजा सिंह आ गया बात समझ में आ रही है तो उसने उस टाइम पे क्या करा है जब आपने यहां पे राजा दिया है तो उसने किसको पॉइंट किया है उस टाइम पे किसी राजा को पॉइंट किया होगा है ना मान लो यहां पर कहीं राजू लिखा है उसको पॉइंट कर रहा है एक्स जब आपने राजू सिंह करा कहीं और पे आ गया लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं करेगा बात समझ में आ गई कि नहीं जी जो, जो, जो. अब और मैं आपको चीज क्या बता रहा था आप ऐसा भी कर सकते मान लो एक्स में अब अब यहाँ पे तुम टाइप ऑफ एक्स देख के आएगा टाइप ऑफ एक्स क्या आएगा बताओ स्ट्रिंग आएगा कि नहीं? नहीं क्लास स्ट्रिंग आ गई अगली सेम लाइन में मैंने लिख दिया अब अगर टाइप ऑफ अब मान लो एक्स प्रिंट करके देखना चाहोगे प्रिंट होगा बारह जबकि अभी मैंने क्या लग रखा था स्ट्रिंग

लिस्ट क्या होती है म्यूटेबल होती है तो लिस्ट पढ़ लिया तो टपल हो जाएगा डिक्शनरी क्या है ये मैंने आपको पढ़ाया भी था जब बेसिक बेसिक कराता था, था ना तो यहाँ पे मैं आपको एक सेट लेके दिखाता हूँ ठीक है सेट को बनाने का तरीका सेट को किससे रिप्रेजेंट करता है बड़ी ब्रैकेट से और छोटी वाली लगाएंगे तो इसको क्या कहलाता है टपल बन जाता है ठीक है टपल और सेट में डिफरेंस भी बताया था ओके अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बारह कॉमा टपल और सेट सॉरी ये तो लिस्ट सॉरी लिस्ट और टपल ठीक है सेट सेट तो वही बनेंगे ब्रैकेट से देखो सेट क्या अगर हाँ, करली ब्रैकेट से बनते हैं करली ब्रैकेट से मैं आपको दिखाता हूँ हमने बचपन में नहीं पढ़े क्या वन कॉमा वन कॉमा सेवन अच्छा 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 रुको तो ये लिख दिया मैंने अब अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ x चेक करूंगा क्या बताएगा मुझे सेट सेट अब अगर मैं x को प्रिंट करूंगा कहाँ चाहिए प्रिंट होगा एक्स को प्रिंट होगा दोबारा से यही प्रिंट हो जाएगा दोबारा से

तो सेट भी चेंजेबल होता है अभी आप यहां से आ जाइए मैंने एक्स इक्वल्स टू क्या किया एक में बना रहा हूं क्या लिस्ट लिस्ट के अंदर List. दे दिया मैंने कॉमा yes. राजू और राजू अगर आप ऐसे दे रहे हैं तो स्ट्रिंग है तो आपको कैसे देना पड़ेगा ऐसे कॉमा थ्री पॉइंट फाइव ओके आपने बंद कर दिया ये सेट आप अगर एक्स को प्रिंट करेंगे देखो दिख रहा है एक्स कैसे प्रिंट हुआ है एक्स राजू और थ्री पॉइंट फाइव बाई डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहां से हो जाती है जीरो वन और 0, 1, 2, अब देखो x ने जिसे पॉइंट किया है ना आकांक्षा वो है वन राजू और थ्री पॉइंट फाइव इट्स ओके मगर अब इसको जो मेमोरी अगर आप, आप इसकी आईडी देखोगे ना आईडी ऑफ किसकी देख रहा हूं मैं एक्स की ठीक है आगे जो भी आ गई अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं एक्स ऑफ जीरो में मैं चेंज करके मान लो एक डाल रहा हूं ऑपरेशन परफॉर्म हो गया दोबारा मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूं जी आपको जी दिख रहा है एक राजू और थ्री आ गया ये बात क्लियर है जी। अब अगर आप दोबारा इसकी आईडी देखोगे ना ऐसा नहीं है मैंने वैल्यू चेंज की थी तो आईडी चेंज हो गई सेम जगह पे है सेम आईडी। आप इसमें जितना मर्जी चेंज करते रहिए जो मर्जी चीज चेंज करते रहिए क्या होगा हमेशा सेम आईडी बन गई है इसलिए म्यूटेबल है मतलब म्यूटेबल का मतलब क्या है जैसे इसने यहां पे, आपने इसको बना के दिया क्या मान लो एक्स बराबर आपने बनाया था वन और राज और मान लो थ्री पॉइंट फाइव तो बेसिकली हुआ क्या है कहीं पे एक बॉक्स बन गया है और इसका नाम कैसे दे दिया होगा इसने एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ वन एंड एक्स ऑफ टू इस पूरे का नाम क्या है और देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है ये कंपाउंड होता है इसमें किसी भी तरीके के वेरिएबल यूज हो सकते हैं यहां पे पड़ा है वन यहाँ पे पड़ा है राज और यहां पे पड़ा है थ्री पॉइंट फाइव अब आप चाहें तो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है इनको भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है म्यूटेबल है अब ऐसा नहीं था कि मैं यहां पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता था मैं चाहता तो राजू की जगह कुछ और भी डाल सकता था ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिंग ही बन गया एक्स ऑफ वन में आपने क्या कर दिया इक्व टू थ्री पॉइंट टू टू कर दिया अब आप एक्स को प्रिंट कर रहे हैं तो ये आ गया समझ में आ गई बात आकांक्षा या नहीं जी निताश्री क्लियर है म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना फिलहाल हम वो पढ़ रहे हैं इसका अगर टाइप करेंगे टाइप ऑफ एक्स तो क्या आएगा किसका टप... टपल टपल आएगा ना लिस्ट लिस्ट आएगा सॉरी ठीक है हो गया क्लास कैसी है लिस्ट है अब देख यहाँ पे एक काम और करके दिखा देता हूं आपको मान लो मैं x इक्वल्स टू और मैंने स्मॉल ब्रैकेट में ले लिया ठीक है क्या देती है बारह कॉमा राज कॉमा थ्री पॉइंट टू ठीक है ब्रैकेट बंद ओके एंटर किया x को प्रिंट किया आ गया हाँ जी तो वो बन गया टपल हाँ टाइप देखो इसका x का क्या है? है टपल है और टपल कैसा है इम्यूटेबल है इम्यूटेबल का इन्म्यूटेबल मतलब अब ऐसा नहीं है मैं ऑफ़ सुनो अगर आप इसको प्रिंट करना है तो बारह आ गया वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप एक्स बारह में वो सॉरी एक्स ऑफ जीरो में बारह की जगह मैं दस ग्यारह डालना चाह रहा हूँ एरर आ जाएगी क्योंकि टपल जो ऑब्जेक्ट होते हैं टपल के वो भी असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करते इम्यूटेबल होते हैं निताश्री क्लियर है ये बातें म्यूटेबल इम्यूटेबल देखो टपल लिस्ट डिक्शनरी और स्ट्रिंग सबके बारे में हमें पूरा पूरा डिटेल में पढ़ना है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम बेसिक्स ऑफ पाइथन मतलब इलेवंथ क्लास की आकांक्षा बात करें ना तो पहला चैप्टर तो यही है जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई डेटा टाइप ये सब चीजें का मतलब क्या है लिटरल टोकन ये सारी चीज आ गई और ऑपरेटर्स यहां ये खत्म होते ही फिर हम स्ट्रिंग को पूरा पढ़ेंगे लिस्ट को पूरा पढ़ेंगे टपल को पूरा पढ़ेंगे डिक्शनरी को पूरा पढ़ेंगे और क्या क्लास खत्म फिर क्लास इलेवंथल्थ उसमें पांडा खत्म कहानी मतलब हम चाहे तो दो दिन में इसको अच्छे से खत्म कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि सीबीएसई पेपर बनाएगी और बहुत डिफाइंड पेपर बनता है बच्चों सीबीएसई का बहुत डिफाइंड क्लियर है

एलडीसी के, के सिलेबस में वही होगा ना जो आया होगा एलडीसी होता है लोअर डिविजनल क्लर्क ठीक है लोअर डिविजनल क्लर्क का तो फिर क्लर्क के लिए जो उसके वो सब चीजें होती होंगी क्लर्क में जो रूल बुक और ये सब पढ़ना होता होगा उसका क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ दो ठीक होगी क्या बात एनबीएससी में जो पेपर आया था वो भी सीबीएसई का था ना हाँ वो सीबीएसई का था देख बिल्कुल तमीज से बन रखा था कि नहीं अब मुझे आपको बच्चों एक बात पढ़ानी थी वो पढ़ लो इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम उस टाइम पे कर रहे थे है ना यहाँ पे हमारी कहानी ये चल रही थी एक्सप्लिसिट वाली बात तो मैंने आपको बताई दी थी है ना तो हम वापस आते हैं इससे यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रहा था हाँ ये बात चल रही थी हमारी कहा गया बट पाइथन में हाँ यहाँ पे मैं आपको ये सेम चीज हमें इससे पहले म्यूटेबल इम्यूटेबल बताना जरूरी था ना आपको ये भी तो पता चले ना पायथन में तो चीज ही चेंज हो जाएगी अब आकांक्षा यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन ये दिया था कि ये पायथन है अभी आप किस में काम कर रहे हैं पायथन है Python. ठीक मान लो एक मैंने टू लिखा और बी इक्व लिख दिया थ्री पॉइंट फाइव अब मैंने ए इक्व टू बी कर दिया अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं ए को तो क्या प्रिंट होगा Error. हाँ एरर आनी चाहिए अबे यार बाल को अभी हमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या करके दिखाया एक्स अभी रियल था इसके अंदर मैंने चाहे स्ट्रिंग डाल दू बाद में कुछ भी डाल दू सी में तो एरर आती है मान लो तुमने फ्लोट ले रखा है यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं तो है तो एरर तो, तो फिर क्या तो 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 हुआ ये तो सेम ही हुआ ना कि ए इक्वल टू थ्री हो जाएगा हाँ तो और सी में क्या होता है यहाँ पे ए इक्वल टू बनता है है क्योंकि आपने अगर इंटीजर डिफाइन कर दो दिया दो है, उसको तो वो इंटीजर रहेगा लेकिन यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव आपने इसमें डाला तो थ्री पॉइंट फाइव हो जाएगा और अगर अब आप टाइप टाइप चेक करोगे तो ऑफ ए अब क्या दिखाएगा इंटीजर पहले, दिखा पहले क्या दिखा रहा था वो सॉरी अब दिखाएगा फ्लोट पहले क्या दिखा रहा था इंटीजर अरे अभी तो मैंने ऊपर कर दिया लगा आप ऐसे पूछ रहे हो तो अलग ही दिखाया नहीं क्वेश्चन असल में मैंने आपको ये म्यूटेबल इम्यूटेबल के चक्कर में सारी चीज एक्सप्लेन कर दी ना तो वो क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन okay. अब चक्कर क्या है जब हम पेपर में पढ़ के जाएंगे तो सब कुछ पढ़के जाएंगे ना, तो फिर अगर हम ये पढ़ के जाएंगे तो हम उसका अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही रिलेवेंट हो गया क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम तो क्लास इंटीजर आएगी b की क्या फ्लोर ए इक्वल टू बी करेंगे यहाँ पे c की तरह काम नहीं होता अगर आप a को प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा टू पॉइंट टू यानी आप टाइप ऑफ ए भी चेक करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा क्लास फ्लोट बन चुके और आप देखो इम्यूटेबल में समझ लो पहले ए किसी और खाने को पॉइंट कर रहा होगा और अब <coughs> मैं आपको यहाँ पे थोड़ा तो सा बना के भी दिखा हूँ मान लो आकांक्षा मान लो ये बहुत सारे खाने थे है ना ये इंटीजर के खाने कहीं पड़े हैं ठीक है इसके अंदर यहाँ वन लिखा है टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके कुछ लिखा है मान लो पांच सौ पांच हजार वाट एवर ये मान लो फ्लोट के कहीं पे खाने हैं ठीक है इनके अंदर कुछ कुछ पड़ा है मान लो 1.5 2.2 कुछ भी कुछ भी ऐसे करके ये कहीं 3.5 है तो अभी क्या हुआ होगा आपका ए किसको पॉइंट कर रहा होगा शुरू में जब आपने लिखा है ए इसको पॉइंट कर रहा है और बी इसका आपका इसको पॉइंट कर रहा है लेकिन ये लाइन लिखने के तुरंत बाद ए अब इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा इसको पॉइंट करेगा बात समझ में आ गई कि नहीं तो यहाँ पे चूंकि अब आप देखो बच्चों आप अगर यहाँ पे चीज करें भी ना आईडी ऑफ ए चेक करो आईडी ऑफ ए क्या आ रही है ये और आईडी ऑफ दूसरी क्या था बी था ना इसकी चेक करो से, क्या तो दोनों से, की सेम है सेम आएगी तो आ रही है सेम देख लो बा, समझे बात तो यहाँ पे वो ब्लॉक ही उठा के शिफ्ट कर देता है तो मेरे ख्याल से पहली जो शुरू का बेसिक थी ना पायथन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा वहां से चीज को पढ़ लो पचास जगह मत भटको एक ही चीज से चीजें अच्छे से कर लो ठीक है किसी बुक किसी रेफरेंस मटेरियल किसी की जरूरत नहीं है पहले ही वाली चीज करो क्वेश्चन आंसर का सेट उठाएंगे चीज उससे करेंगे फिर चीजें खत्म दैट्स इट सर और अगर किसी और चीज में हमें जरूरत पड़ेगी डिटेल में पढ़ने की तो वहां से हमें करनी है, तो हम फोन पे में कहीं पे भी कनेक्ट करके चीजें कर सकते हैं ये चीज हो गई <coughs> उस दिन और दो तीन बातें बच गई थी वो करने से आपको मुझे बताना था जरा ये वाली बात बताना फोर और मैंने आपको जीरो पॉइंट जीरो बताया था क्या आंसर आएगा इसका बोलो एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा ट्रू हो जाएगा है? और अच्छा आकांक्षा ट्रू फॉल्स वैसे है अगर वैल्यू कंपैरिजन देके करता तो पे आएगा फोर और अगर जीरो जी। पॉइंट जीरो और फोर करूंगा तब क्या आएगा आकांक्षा मैंने शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड चीजें बताई थी पहली चीज ट्रू होगी तो दूसरी पे जाएगा ही नहीं यहाँ पे पहली फॉल्स हो गई तो और के केस में अगले वाले को चेक करना पड़ेगा तो आंसर क्या आएगा फोर आएगा नहीं आएगा तो ट्रू नहीं पॉइंट ये कि क्या वो फ्लोट मतलब ओ, को को वो वो को भी फॉल्स ही मानेगा क्या क्वेश्चन ये जीरो तो फॉल्स मानेगा तभी तो आगे गया नेक्स्ट वैल्यू पे गया वो ट्रू मिली तो वो आंसर आ गया अब जैसे ये काम तो फोर एंड जीरो पॉइंट जीरो करती आंसर क्या आएगा पहली चीज चेक करने से कुछ नहीं होगा दूसरी भी चेक, चेक कर, कर, पहली दूर दूर हो गई, दूसरी चेक करेगा तो तो आंसर आंसर जब दूसरी तक पहुंच चुका है, तो आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट क्यों सेकंड वाले पे ही नहीं वो पहली फॉल्स दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे था की मतलब फ्लोट पे अगर हम वैल्यू डालते हैं तो क्या उसको कंसिडर करता है अब अगर मैं मैंने ये बताया था ऐसे लिखें ट्रू है करके देख ले अच्छा। मान ले तुमने लिख लिया फोर एंड जीरो पॉइंट तो आंसर जीरो पॉइंट वन टू फाइव आ गया क्योंकि पहला ट्रू वो दूसरे पे जाएगा दूसरा भी ट्रू तो आंसर दूसरा वाला आएगा ना ओके okay. मतलब हाँ, मतलब okay. okay. उस थी दिन थी मैंने ये भी बताया था अब बताना सेवन और नाइन में क्या आएगा सेवन और नाइन में सेवन तो नाइन और सेवन एंड नाइन होता तो नाइन नाइन बस। हाँ, क्योंकि के के लिए चेक करेगा, हाँ। okay. <coughs> उस दिन मैंने चेन रिएक्शन वगैरह भी ये चीजें आपको करवाई थी अब एक क्वेश्चन आपको भी मैंने समझा दिया <coughs> मैं एक क्वेश्चन LEN, है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है एस टी आर और यहाँ पे लिख दिया नाइनटीन डिवाइडेड बाई फोर अब देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना क्या आएगा इसका आंसर अच्छा ठीक है तो नाइनटीन डिवाइडेड बाय फोर यहां पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है इसलिए इसको खोल देता हूं मैं और ये चीजें दोबारा करके बनानी भी पड़ेगी खैर रिवीजन के लिए जब लेंगे ना तब इन सब चीजों को वैसे ले लेंगे खैर नाइन नाइनटीन देखो पहली बात अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या आएगा Error. क्यों क्योंकि करेगा Only on strings. पे. Strings पर पे. और इंटीजर की क्या लेंथ होगी मान ले मैं length of five कहने लोगों तो क्या length बताएगा भाई? तो एक इंटीजर है ना तो वैल्यूज काउंट नहीं होती स्ट्रिंग की लेंथ काउंट होती है इसलिए लेंथ ऑफ अब मैं अंदर वाली चीज के ऑपरेशन को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग में नहीं। अब 19.4 का पहले रिजल्ट देखो क्या आएगा ये आएगा 4.4.8 4.75 हाँ इसको कन्वर्ट कर देगा ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फंक्शन और तब इसकी नहीं। नहीं। लेंथ कैलकुलेट होगी तो इसकी लेंथ कितनी दे देगा ये one two three four फोर आंसर आ जाएगा समझ में आई बात कि नहीं हाँ जी यस सर क्लियर हो गई बात की नहीं चार चौक सोलह आंसर क्या आता है इसका इसका रिजल्ट आता ओनली फोर फोर को स्ट्रिंग बना देता ये बन जाता है और इसकी लेंथ कितनी आती वन समझ में आ रही है बात दोबारा इसको करके देख लेते हैं हम यहाँ पे आप इसकी देखेंगे फोर आएगा और लेंथ ऑफ आप एस टी आर करके यहाँ पे नाइनटीन डबल डिवाइडेड बाई फोर करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी वन और ये चीज जानने के लिए आप इतना भी कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो क्या आंसर आ रहा है स्ट्रिंग में चूंकि कन्वर्ट कर रहे हैं आप स्ट्रिंग में नहीं करेंगे नाइनटीन डबल डिवाइडेड बाई फोर करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है चार ही आएगा ना चार चौक सोलह उसकी लेंथ कितनी आएगी वन आएगी आगे बात समझ में और 19 सिंगल डिवाइडेड बाय फोर करोगे तो 4.75 आ रहा है अब आकांक्षा एक चीज इंपॉर्टेंट ये दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं फ्लोट में इसके अंदर मतलब मान लो अगर 10 बाय 3 करोगे आप आउटपुट क्या आएगी 3.33 अच्छा आप उसे कितने पॉइंट तक जा सकता है वो? हाँ फ्लोटिंग में पंद्रह पॉइंट तक जाता है आप अच्छा। काउंट कर लो इसको 15 होंगे पॉइंट के बाद

एक दो तीन चार पाँच फाइव के बाद तो फिर फाइव दस बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह दिख रहे हैं ये। या तो ये सोलवा कोई और नंबर मैंने लिख दिया देख लेते हैं इसको अब मैं ए को प्रिंट करता हूं कहां तक दिया है इसने सारे दे दिए क्या सारे दे दिए नाइन तक कितने हो गए एट फिर आठ और छह चौदह ही हुए ना यार अभी इसलिए दे दिए उसने सारे दो दो चार दो छह दो, दो आठ दो दस अरे वो सारे तो इसलिए दे दिए ना वो सारे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अभी तो ज्यादा होंगे अब नहीं अब ठीक है अब तो ज्यादा है अब ए प्रिंट करेंगे तो, तो कहां तक आ रहा है पांच तक आ रहा है देखो कितने कैरेक्टर आए पांच और फिर उसके बाद पांच है ना तीन दो तो पांच इस बार चौदह दे रहा है यार ये भी गजब काम कर रहा है वैसे फिफ्टीन कैरेक्टर्स होंगे आपको कहीं लिखा हुआ दिखेगा ना पॉइंट के बाद कितने कैरेक्टर्स दिखाता है तक देता है ठीक है ऊपर वाले में सिक्सटीन दे रहा है एक में फिफ्टीन दे रहा है एक में फोर्टीन दे रहा है चलो इसे देख लेंगे बाद में फिलहाल ये इतना मतलब ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा तो फिर वो देख लेंगे थ्योरी में कि कितने क्वेश्चन ठीक है अब आपसे एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था मान लो अगर आप आकांक्षा करेंगे मतलब सपोज मैं ये कर रहा हूँ ट्वेंटी फाइव और लगाता हूँ ऑफ ट्वेंटी फाइव क्या होगा अगर मैं ऐसा लिख दू तो वैपन आउटपुट क्या होगी आने ना नीताश्री अच्छा नहीं ये तो ट्वेंटी फाइव ही दिखा देगा ट्वेंटी yes, फाइव खेल में क्या है देखो और के केस में पहली चीज ट्रू हो गई तो दूसरे पे जाएगा ही नहीं जबकि वो दूसरी चीज इनवैलिड लिखी है तो आंसर 25 आ गया लेकिन लेंथ ऑफ 25 लिख के आप और लगाएंगे एंड देन 25 करेंगे तब आपको क्या मिलेगा एरर मिलेगा क्योंकि लेंथ फंक्शन काम ही नहीं कर सकता इसके ऊपर ठीक है लेकिन अगर आप यहां पे काम कर दें इसको स्ट्रिंग बना दूं और देन और लिखूं 25 देन आउटपुट बी लेंथ ऑफ टू आएगा अरे हाँ तो आंसर क्या आ जाएगा टू क्योंकि पहले वाले का पूरे का रिजल्ट कितना आ जाएगा टू और वही क्या है ट्रू और ट्रू है तो आंसर हो जाएगा वही अगर यहाँ पे आप लेंथ ऑफ और अंदर स्ट्रिंग लिख के अंदर स्ट्रिंग एम्प्टी ले लेते और देन आप और यूज कर रहे होते 25 देन आउटपुट विल बी 25 क्योंकि पहले वाले 25. की लेंथ कितनी काउंट होके आएगी जीरो जीरो का मतलब कंसीडर करेगा फॉल्स और फॉल्स का मतलब वो सेकंड वाले पे जाएगा क्लियर हो गई आकांक्षा बातें जी okay. ओके तो यहां 25. पे इसका आपका ये वाली चीज क्लियर हो गई एक और क्वेश्चन इसी तरीके से बढ़िया लगा था मुझे वो क्वेश्चन क्या था मान लो आपने ऐसा कर रखा है क्या मान लो फाइव इक्वल्स इक्वल डबल इक्वल टू तो कंडीशन चेक कर रहे हैं आप five equals equals six, six देंगे, तो क्या आंसर आएगा आपका five equal equals six. False. 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 आ आ जाएगा जाएगा है ना और करोगे तो आंसर ये कहानी गई है ना अब आपने यहाँ ये यह कर दिया फाइव इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन आप डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं और इनपुट फंक्शन यूज कर दिया आपने ठीक है और एंटर यहाँ पे hmm. कोई मैसेज दे दिया एंटर वैल्यू सपोज ठीक अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको पता है इनपुट फंक्शन क्या करता है पहले आपको आउटपुट स्क्रीन पे ले लेके जाएगा तो द एंटर वैल्यू मुझसे वैल्यू मांग रहा है अब मान लो मैंने यहाँ पे पांच दे दिया आकांक्षा व्हाट विल हैपन टेल मी तो तु। ये ट्रू दिखा देगा गौरव ट्रू हो, होना चाहिए सर बस पता नहीं होना चाहिए निताश्री आएगा फॉल्स क्यों अच्छा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा रुक के लेते हैं एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं ए इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन और मैंने यहां पे दे दिया एंटर ए ठीक और बी इक्वल्स सर to सर इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर हमें रिटर्न करता है हां तो इस वजह से वो वो स्ट्रिंग आता है तो एक बार इस चीज को दोबारा कर, कर भी लेते हैं वरना ये भूलते रहोगे जैसे आप भूल गए हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया मैंने और प्रिंट कर दिया मैंने सी ठीक है इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूं मैंने फाइव से किया रन ये मांग रहा है मुझसे एंटर वैल्यू ओके एंटर ए मैंने दे दिया बारह और बी की वैल्यू दे दी तेईस क्या आंसर आएगा आकांक्षा सी को प्रिंट कर रहा हूँ थर्टी फाइव

Yes. तो आप यहाँ को क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंटीजर कर सकते हैं और इसको भी इंटीजर कर सकते हैं एंड से देन चेंज करके इस वाले को फ्लोट कर देता हूं आकांक्षा तो आउटपुट हाँ क्या प्रिंट होगी थर्टी फाइव पॉइंट जीरो अब अगर मैंने ट्वेल्व दिया और ट्वेंटी थ्री दिया तो आउटपुट विल भी थर्टी फाइव इंटीजर दूसरा फ्लोट, करोगे, रिजल्ट हमेशा हमारा ना हो। अच्छा। है। ये बात क्लियर हो गई अब वापस आते हैं दोबारा अपने इस वाले क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे है ना अब दोबारा अच्छा। से आपको मैं एंटर वैल्यू कह रहा है मुझसे अब मैं वैल्यू दे रहा हूं फाइव देन व्हाट विल आउटपुट फॉल्स फॉल्स क्योंकि फाइव एज ए इंटीजर क्या है नेवर बी इक्वल टू फाइव एज ए स्ट्रिंग ठीक है यहाँ पे आउटपुट आ गई आपकी फॉल्स एक और मजे की चीज मैं आपके साथ अगर करूं ठीक और मैंने यहाँ पे आउट इनपुट दी अभी क्या आएगा तब सेम आएगा ट्रू क्योंकि देखो कैपिटल भी क्या फॉल्स दे रहे इसने अभी भी इस बी को ना बी माना भी है उसकी है। करने के लिए यहां पे ना इसका बुलियन फंक्शन काम करता होगा कौन सा फंक्शन लगता है काम की बात बतानी थी, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए दोबारा वही लेते हैं हम अपना फाइव क्योंकि उस वाले टॉपिक को इसमें घुसाएंगे फायदा नहीं है और यहाँ पे हम लिख देता हूं मैं इंट अब अगर इसको कन्वर्ट कर दूं इंट में और ये हम मुझसे वैल्यू मांग रहा है मैंने दिया फाइव तब क्या आएगा ट्रू अभी ट्रू आ जाएगा क्लियर जी बात समझ में आ रही है सर ठीक है अब यहाँ पे अगर इसके अंदर एक चीज थी मान लो इसने क्वेश्चन में मतलब जहां ये क्वेश्चन लिखा हुआ था इनकी बुक में ही कहीं नीचे पे था तो उन्होंने क्या कर रखा था फाइव इक्वल्स टू ऐसा एंटर वैल्यू और उन्होंने क्या रखा था कि एक एक्सप्रेशन देना है हमें क्या देना है एक्सप्रेशन और एक्जेक्ट उन्होंने लिख रखा था टेन इक्वल टू इनपुट वैल्यू और यहां पे दे रखा था एक्सप्रेशन मतलब ओके okay. तो जब ये दिया ठीक है तो इसे चलाने के बाद क्या होगा क्या आएगा अभी अब तो करके देख लिया आप क्या आउटपुट आएगी बताओ बोलिए

False ही आएगा भैया फॉल्स आएगा क्यों क्योंकि ये पूरी क्या है, पूरी है। स्ट्रिंग है है ना अब स्ट्रिंग गई बात सर yes, तो यहाँ पे आपका करके क्या, क्या रहा है? False आ रहा है अब सुनते रहो अब अगर मैं यहाँ पे इसको टेन करके और यहाँ पे इसको इंट में कन्वर्ट कर लेता ठीक है और तब मैं एंटर कर रहा हूं एंटर वैल्यू अब मैं दे रहा हूं सिक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई टू तब क्या होगा ट्रू यहाँ पे अब एक चीज का यही मजा मुझे आपको दिखाना था यहाँ पे एरर आएगी अब एरर क्यों आएगी एरर ये True. है भाई मैं वैल्यू क्या दे रहा हूं अब इस, इसके थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मान लो इक्वल टू ट्वेल्व लिखा okay, no problem. A को आप प्रिंट कर सकते है सकते हैं ट्वेल्व आ जाएगा मान लो मैं यूजर से इनपुट कराना चाहता हूँ तो इंट इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं एक मैसेज कि एंटर ए है ना ओके okay. जी अब अगर मैं ये लिख के यहां पे एंटर करता हूं तो ए की वैल्यू मांग रहा है मैंने बारह दे दी आप ए को प्रिंट करके देख सकते हैं बारह आ जाएगा सही है बात हेलो मैं दोबारा करना चाह रहा हूं और मैं इस बार तीन सौ बाईस दे रहा हूं आप ए को प्रिंट करोगे तीन सौ बाईस आ जाएगा और आपको पता है हर बार इसकी आईडी चेंज हो रही होगी इज इट क्लियर

ये तो सॉल्व होगा एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन की फॉर्म में आप कभी भी आंसर मतलब वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते क्लियर मतलब सर ऊपर वाले में जो हमने प्लस और डिवाइड लिए हैं भाई सुन यहाँ पे क्या थी इनपुट जब आपने कराई है क्या दी है आपने स्ट्रिंग होती है बाई डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग तो yes, कुछ सर्थ. भी दे सकता है ना स्ट्रिंग में तो कॉमा ले कॉमा ले कॉमा कॉलम ये कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करेगा इनको ऑपरेटर्स की तरह ट्रीट नहीं करेगा अबे भाई स्ट्रिंग में होता ही क्या है अगर आप यहां से इंट हटा भी दोगे तो स्ट्रिंग का मतलब ही क्या है एंटर A, मैं कुछ भी लिख दू एंटर कर दू अब आप ए को प्रिंट करोगे ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है यस सर वहां पे वो स्ट्रिंग थोड़ी थी इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लो होगी नहीं भाई ए, और एक और मजे की मैं चीज बताऊं आपको अगर आप मान लो

12 देखो वो वाले में तो चलो तुम्हें एरर फिर भी समझ में आ रही होती इस वाले में पेपर में ये आ जाता ना और 12.5 देते और आउटपुट पूछ लेता आपसे कि 12y की 12.0 आएगी ये आएगी ये आएगी आप क्या कहते कि एरर नहीं आएगी क्या लिख देते आप चला देते आप इसको तो 12.5 को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं करेगा किसको

रेक्टर दे देते मान लो एंटर फ्लोट कर रहे सी <laughs> दे थोड़ी चलेगा भाई जब आप कर रहे है न, है तो वो लेकिन इनपुट वो, करा रहा है स्ट्रिंग जब वो टाइप कास्टिंग करने की कोशिश करेगा इंटीजर में तो अगर केवल डिजिट्स होंगी तभी कर पाएगा फ्लोट केस में डिजिट्स अलाउड है और डेसिमल भी अलाउड है और कुछ नहीं है पर स्ट्रिंग केस में तो सब कुछ अलाउड होता है आपको पता ही बात समझ में आ गई yes, तो ये चीजें थी यहां तक का काम अभी देखते हैं ठीक है फिर कल सुबह क्लास लेंगे। लेस मैं आपको वीडियो सेंड करता हूं वो पीडीएफ उस पीडीएफ के साथ मैं आपको सेंड करता हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। तो जो मुझे लगेगा इसमें क्योंकि जो काम की चीजें थी ना वो एक तरीके से हमने डिस्कस कर ली हैं ठीक अब